मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ। सर, राहुल गांधी 150 का दावा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के पास इनपुट है, उनके पास इसकी जानकारी है, वो किसी आधार पर बोल रहे हैं। कर्नाटक रिपीट होगा सर? कर्नाटक से बढ़िया रिपीट होगा भैया, प्रणाम। बीजेपी की सर, वो लोग लगातार जितने बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठके कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी आधार पर किया है, कुछ इनपुट्स पर किया है, कुछ जानकारी से किया है। सर, जो बीजेपी के लोग वहाँ पे दावा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसका असर होगा सर? सर, कुछ असर होगा? कुछ नहीं होगा। तो कमलनाथ साहब दावा कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने दावा किया है, उनके पास इनपुट हैं और कर्नाटक से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी, भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका असर नहीं होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 150 सीटों का, कुछ मतलब हकीकत है सर? मतलब बहुत ज्यादा है? आज हमारे प्रदेश के सभी नेता को यहाँ पर राहुल जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बुलाकर और सारी स्थिति मध्य प्रदेश की उन्होंने समझी जानी और अपने अपने अनुभव के अनुसार हमने भी अपनी सारी बातें रखी है और जो जो सावधानी अपनानी है वो अपनाने के लिए सबको सतर्क किया है। और आने वाले 2023 में जब चुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी रणनीति बन गई है और आने वाले समय में 150 तक सीटें हम जीतने का पूरी हमारी तैयारी है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और कई प्रकार के यहाँ वहाँ पर चल रहा है और लोग परेशान हो गए हैं। लोग परेशान हैं, आप दावा कर रहे हैं 150 सीटें। सर, उतने ही लोग नाराज भी हैं, उस नाराजगी का भी कुछ यहाँ जिक्र हुआ कि उसको कैसे दूर करेंगे? वो बीजेपी के ऊपर नाराजगी है, कांग्रेस के ऊपर नाराजगी नहीं है। लोग सब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने और कांग्रेस की जो योजना है पिछले समय की, चाहे 15 महीने सरकार की रहो चाहे हमारी पहले की सरकार हो, और सब जनहितैषी योजनाएं लागू करते थे और आम लोगों को उसका फायदा मिलता था। पर भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाएं और बड़े बड़े जो दलाल हैं, बड़े बड़े मतलब कई प्रकार की मतलब भ्रष्टाचारी करने वालों को जुम्मे कर रखा और आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, उसकी नाराजगी है, उसी वजह से 150 सीटें आएगी ऐसा हमको विश्वास है। तो कांतिलाल भूरिया दावा कर रहे हैं कर्नाटक की तर्ज पर हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और बीजेपी की जो नाराजगी है लोगों में बीजेपी को लेकर राज्य की, वो हमारे लिए जीत का रास्ता तय करेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़।